बाबूजी, अब तो दो ही रास्ते हैं। एक सच्चाई की लड़ाई हम लोग लड़ते रहे और 14-15 सालों तक भारत बाबू को जेल में सड़ने के लिए छोड़ दे, और दूसरा ये कि गवाहों को सच बोलने के लिए कीमत दी जाए, पुलिस और सबको बेगुनाह को बेगुनाह साबित करने की कीमत दी जाए। फिर न्याय मिलने में न तो देर है न अंधेर। बाबूजी, फैसला जज के हाथ में नहीं, आपके हाथ में है। अब आप बोलिए क्या करना है। मुझे तो मेरा बेटा वापस चाहिए। पता लगाओ क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी। बाबूजी, मैंने सबसे बात कर ली है। 14-15 लाख तक का खर्चा आएगा। 15 लाख? अरे पर इतने पैसे कहाँ से लाएंगे हम? बाबूजी, मैं अपने जेवर लेके आऊँ। अरे बेटा, हमने तुझको दिया ही क्या जो तू बेचेगी? तू भी बेटा ले देखे, हमारे पास यही एक जमा पूंजी है, हमारा खानदानी घर। लेकिन इतनी जल्दी से कौन खरीदेगा? कब पैसे मिलेंगे और कब? अरे दुबे जी, आपका तो रियल एस्टेट का बिजनेस है, कुछ करिए ना। आज के आज में मकान बिकवाइए। बस बेटा, इतना एहसान जरूर करवा देना कि जिसे भी भेजो वो इतनी मोहलत दे दे कि मेरे बेटे के छूटने तक मुझे मेरे घर पे ही रहने दे। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि भारत नारायण आतंकवादी नहीं है, लिहाजा ये अदालत भारत नारायण को बाइज्जत बरी करती है। भारत बाबू, भारत बाबू, ये पंखा तो ले जाओ। भारत, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि रिहा होने की खुशी मनाओ या फिर इस बात का गम कि मैं पकड़ा ही क्यों गया। मेरा कसूर क्या था? मेरा कसूर यह था कि मैंने शनि महाराज को तेल नहीं चढ़ाया। मेरा कसूर यह था कि मैंने त्रिपाठी को कमरा नहीं दिया। बाबूजी कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है। मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में सिर्फ आम आदमी की किस्मत क्यों खराब होती है? आप लोग मुझे देखकर खुश हो रहे हैं। मैं कहता हूं यह खुशी की नहीं, डरने की बात है। किसी भी आम आदमी की जिंदगी में किसी भी रात एक टेबल फैन आ सकता है और उसकी पूरी जिंदगी को घुमा सकता है। बाबूजी को मुझसे हमेशा ये शिकायत थी कि मैं राम कब बनूंगा। आज मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि आज की दुनिया में राम कोई नहीं बन सकता। हनुमान बन के राम को अपने दिल में बसा ले, तभी इस देश का उद्धार हो सकता है। राम को नहीं बन सकता। गुसल खाने में 2 बाल्टी गर्म पानी रख के आ गया हूँ, चाय पी के खरगोटा ले ले। और रमिता भी कहीं नहीं जाएगी। हाँ, वो यही रहेगी। आजा बेटा आजा। शिवनारायण अंकल है? मैं ही हूँ शिवनारायण। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, क्या है इसमें? वो अंकल, वो आपके जो बलिया वाले दोस्त का बेटा है ना अजय, वो मेरे साथ पढ़ता था, हॉस्टल में हम दोनों साथ थे। पिछले महीने वो चला गया और मुझसे कह गया था कि अंकल को ये पंखा वापस कर देना, तो ये मैं देने आया हूँ अंकल। अबे यही तो है हमारा 2 पंखुड़ियों वाला पंखा। बस बस बस, एक लौंडे को क्या? अरे नेताजी, आप यहाँ कैसे? लो कर लो बात। अरे हमारे क्षेत्र का लड़का इतने बड़े आरोप से छूट के आया है, उसके परिवार वालों से मिलने आए, कर्तव्य हमारा है? कोई अंदर नहीं आएगा मामू, सबको रोक के। हाँ भैया,
अरे त्रिपाठी जी आप नमस्ते। अपना ये सब तू पीछे पड़ गया, कहने लगा जिस घर की बैठक में अपना चुनाव कार्यालय नहीं बन पाया, कम से कम उस घर के दर्शन तो कर लो एक बार। धन्यवाद, बैठिए बैठिए। अब बैठक क्या, पूरा का पूरा घर ही अपना है, है? बहुत जल्द आपका घर अपना परमानेंट पार्टी ऑफिस बन जाएगा, बताओ। ये से क्या देख रहे हैं, टुक 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 टुक। मैंने खरीदा तेरे घर, क्या कह रही हूँ? भारत बाबू वेलकम होम, बाबूजी नमस्कार। ओहो अरे नेताजी प्रणाम। अरे अब तो पीछा छोड़ दो बेचारे भारत बाबू का, काहे परेशान कर रहे हो ने? हाओ हाओ, दो चार कागज पे साइन करवाने थे, लो भारत बाबू कबूतर बिठाए दो। भारत बाबू आपका तो एक ही पंखा था, ये दूसरा कहां से आ गया? ये हमारा पंखा है। तो फिर दूसरा किसका है? दूसरा वो जो आपने कोर्ट से दिलवाया था ना, वो है। इसका मतलब जो पंखा आपको अदालत से मिला था वो आपका था ही नहीं? जी नहीं, पंखा आपका था नहीं और आपने अदालत में झूठा हलफनामा देकर पंखे की कस्टडी ले ली। आपको मालूम है आपने कितना गंभीर अपराध कर दिया? अब क्या होगा? थाने चलना पड़ेगा। अरे कुशवाहा साहब, मेरा बेटा अभी अभी जेल से वापस आया है, उसे फिर थाने मत ले जाइए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। त्रिपाठी जी आप ही कुछ कहिए ना। अरे जाने दे खुशवा, अभी अभी जेल के आ रही है। देखो सर मेरा कुछ नहीं है, लेकिन SHO इज इक्वल टू 5000 रुपीज। ठीक 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 है, मैं 5000 रुपए लेके आता हूँ। एक मिनट बाबूजी, आप इन्हें कम दे रहे हैं, मैं इन्हें कुछ ज्यादा देना चाहता हूँ। तूने ऑन ड्यूटी एक हवलदार पे हाथ उठाया? लगता है जेल जाके पागल हो गया है। मैं कह रही हूं इसका पूरा इलाज करना पड़ेगा। हाँ बताइए, पर्सनली मत लेना, ये सिस्टम के गाल पे एक आम आदमी का तमाचा है।